नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे यहाँ जो ये देख रहे हैं खूबसूरत फ्लावर, जो डंकी एयर प्लांट पे, कैरन कुई का प्लांट होता है, डंकी एयर प्लांट पे ये खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ये घंटियों की तरह, ये ऐसे जैसे ये घंटियाँ होती ना, ये इस तरह से ये लगते हैं। तो ये कई महीनों तक बने रहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले भी इस पे जो ये फूल दिखाए हैं, वीडियो तो नहीं बनाया, अभी भी नहीं बनाऊंगी, बस ये खिलते हुए इसके फूल दिखाऊंगी, कितने प्यारे लगते हैं। तो आज मेरे यहाँ बारिश हुई है, ये पानी दिख रहा होगा आपको, बीच बीच में हल्के हल्के छींटे भी पड़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से जैसे मैंने ये पोट तैयार किया हुआ है। अभी तो ठंड, ये कोहरा वगैरह मेरे यहाँ पड़ रहा है, ये झड़ गया पूरा। ये जॉय बीड जैसे मैंने ये ग्रो कर रखा हुआ, तो इस तरफ ये पूरा फैला हुआ था, निकल गया। और ये इतना सा, ये इतनी सी बोतल का हिस्सा, इतना सा ये, तो ये ऐसे मुंह है बोतल का, और ऊपर सा ये जरा सा हिस्सा, और इसमें भी इतना खाली है। तो ये मैंने डंकियर का प्लांट लगा रखा हुआ था। तो ये छोटे छोटे जो इसकी पत्तियाँ निकलती हैं, उस पर ये न्यू न्यू बेबीज निकल आते हैं, तो कभी ख़त्म नहीं होता, एक बार ही लगा दो, ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं आप। तो इस तरफ भी एक बोतल मैंने इसी तरह से लगाई हुई है, और ये ढक्कन में, जो ये बोतल है इसके ढक्कन में मैंने ये ग्रो किया हुआ है। और इस बारी इतनी ज़्यादा कोहरा और ठंड रही कि ये मेरा एरेंथिमम पूरा साल भर फूल देता था, तो ये भी छोटी सी बोतल में साथ के साथ ही ग्रो किया हुआ, तो इस बारी पूरी पत्तियाँ इसकी झड़ गई। ये देखो फूल में लगे हुए थे तो कोहरे के कारण। तो अभी भी धूप बिल्कुल भी नहीं है और बादल छाए हुए हैं। तो ये जो डंकी ईयर प्लांट है, जब ये फूल देता है ऐसे फूल, इसके एक लंबी सी ये स्ट्रोक देख रहे हैं नीचे से, ये एक ऐसे स्ट्रोक निकली, और इस पे जब ये फ्लावर आते हैं गुच्छे में ऐसे, तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, और ये प्लांट फिर कुछ टाइम के बाद ये मर जाता है। पर अपने पीछे ये खूब सारे ढेर सारे प्लांट्स जो छोटे छोटे छोड़ जाता है, तो आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आप कहीं भी इसे छोटे पॉट में लगाएं चाहे बड़े में लगाएं, तो इसके फूल जो है अपनी अलग ही एक इनकी खूबसूरती होती है। तो ये एक सुकुलेंट प्लांट है। तो इसकी पत्तियाँ मैं दिखाती हूँ जो मैंने निकाल के रखी हैं। ये इसकी लंबी लंबी पत्तियाँ, तभी डंकियर बोलते होंगे कि उनके कान की, डंकी के कान की तरह दिखती हैं। तो ऐसे ये मरने लगती हैं, और ये न्यू न्यू प्लांट्स इसके, ये देखा, ये नए नए ये बच्चे जो है, ये बेबी प्लांट ऐसे तैयार हो जाते हैं इनकी पत्तियों के सिरों पे। ये देखिए ऐसे, इस तरह से। तो एक बात मुझे और बोलनी थी आपको, ये वीडियो मैं मंजू नेचर लवर चैनल में डालूंगी, तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें मुझे कमेंट्स शो होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वीडियो नंबर जो बाद में 140 और 141 डाला है, वीडियो नंबर 140 और 141, उसमें मुझे कोई भी किसी का कमेंट जो है शो नहीं हो रहा है। और मेरी फ्रेंड ने मेरे सामने ही कमेंट किया था देखने के लिए, तो उनको अपना कमेंट शो हो रहा है, बट बाकी किसी के नहीं हो रहे, और उनका कमेंट मुझे भी नहीं शो हो रहा। तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं डंकी ईयर वाला, तो इसके कमेंट्स भी मुझे शो होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर मुझे शो नहीं होते हैं, तो वीडियो नंबर 140 के जो बाद वाले वीडियो हैं उनके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, और किसी का अगर कोई आ रहा है तो वो भी मुझे दिख रहे हैं, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी भी बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं दिखाती हूँ, मैंने कहीं और भी इसको ग्रो कर रखा हुआ। मैं जो ये कप खरीद के लाई थी एग्जीबिशन से, तो इसमें मैंने एक प्लांट ये डंकियर का इसी में से निकाल के छोटा सा, तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, और पत्तियाँ इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये तो काफ़ी सारी मिट्टी है, तो बोतल में तो मैंने दिखाया ना थोड़ी सी मिट्टी है। तो बारिश तेज हो गई है, और मैं चलती हूँ अब जल्दी जल्दी, कुछ और भी दिखा देती हूँ। बारिश स्टार्ट हो गई है, और मेरे गार्डन में ये कैलेंडुला के कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये देखिए, ये और तरह का है, ये और तरह का है, ये और तरह का है, ये देखा, और ये और कलर का। बल्कि अब इस बारी मैंने पूसा वाले नहीं लगाए, वो तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हैं, कई लेयर वाले। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और मैं वीडियो बंद करने जा रही हूँ। ये नेट के नीचे जो प्लांट रखा है, तो ये मैं दिखा दिया, तो उस पर उन दोनों पे जो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे सारे भाई बहन जिन जो विनर्स हैं उनको सीड्स मिल चुके होंगे, कईयों के कमेंट्स मुझे आए हैं। अभी मैंने ये नहीं नोट किया कि सबको मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं, तो मेरा ख्याल से सबको मिल चुके होंगे।
और उन्हें सीड्स कब कब ग्रो करने हैं और कितने तरह के मिले हैं ये तो पता ही होगा, तो वो भी वीडियो डाला हुआ है तो वो देख सकते हैं आप। तो कई भाई बहनों ने पूछा कि जैसे उनके ये गुलदौदी पे क्राइसेंथिमम पे पत्तियां सूखने लगी हैं या ऐसे खराब होने लगी हैं, तो जब ये फूलों की लाइफ पूरी हो जाती है तो इस तरह से दिखने लगती हैं, तो फिर आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैंने कमेंट का आंसर उनको कर दिया था, अगर ये वीडियो देखें तो फिर वो कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये बारिश देखो पड़ रही है मेरे यहाँ।